स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के लिए जो हमारा सेकंड सेमेस्टर होता है उसके लिए जो हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसके अंदर हमारा पहला टॉपिक आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके अंदर जो हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, और जिसके अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है साइन ए एक्स प्लस बी का एक्स के सापेक्ष समाकलन। तो हम क्या देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, साइन ए एक्स प्लस बी का एक्स के सापेक्ष हम इसका करेगा इंटीग्रेशन करने वाले हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। हम ये आज इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं कि हमें साइन एक्स ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना है एक्स के सापेक्ष, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जो चीज़ आपको इंटीग्रेशन करनी है उसके साथ में जो भी ये थीटा की तरह जो एंगल दिया हुआ है आप इसको क्या करोगे सब्स्टिट्यूट कर दोगे टी के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेट या मैंने इसको मान लिया कि माना टी क्या हो गया मेरा ए एक्स प्लस बी, मैंने इसको पुट कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या क्या करना होगा, इसका दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करना होगा एक्स के सापेक्ष, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और जब मैं इसका एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करूँगा जो हमारे कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और बाकी जो एक्स वाली है वो उसका हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जब करूँगा डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा ए, क्योंकि एक्स का क्या हो गया वन हो गया, और बी का क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, डी टी ओवर डी एक्स आ गया, मुझे यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू जब निकाल लूँगा तो यहाँ से कितनी आएगी, डी टी ओवर ए, और इधर आ जाएगा डी एक्स, यानी कि डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डी टी ओवर ए। अब इन सारी वैल्यू को मैं यहाँ पर इसके अंदर पुट करूँगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन मेरा ऐसे चलेगा, भी ये साइन, और इसको मैंने क्या माना था ए एक्स प्लस बी को टी मैंने पुट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं टी लिखूंगा और डी एक्स जगह क्या लिखूंगा, कितना लिखूंगा डी टी ओवर ए। ठीक है, तो डी टी अपोन में ए, ए में यहाँ ना लिख के बाहर लिख सकता हूँ वैसे वन अपोन ए क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे साइन टी का हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो वन अपोन ए, और जब मैं साइन टी का जब डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन करता हूँ तो वो कितना आता है आपका कॉस टी आएगा। ठीक है, और ध्यान रखना वो आपका आता है माइनस के अंदर। ठीक है, और साथ में आपकी एक प्लस कॉन्स्टेंट एक वैल्यू आएगी सी। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ इसका जो इंटीग्रेशन आ गया कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, बट हमको ये भी ध्यान रखना है हमने टी कोई वैल्यू मानी हुई है। ठीक है, ये तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा वन अपॉन ए ऐसे लिखूंगा कॉस, और टी जो मैंने माना हुआ था यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर वापस से वैल्यू को पुट कर दूंगा। ठीक है, और प्लस का सी, यानी कि मैं कह सकता हूँ इसका इंटीग्रेशन क्या बन के आ गया कि साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला बन के आ चुका है कि इस इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का जो अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ कितना आता है माइनस का वन अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी और प्लस का सी। ये हमको प्रूफ करना था। आप किसी क्वेश्चन के अंदर अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं या तो आप ये वाला मैथ लगा के यूज़ कर लीजिए इसको, या फिर अगर एक या दो नंबर क्वेश्चन है डायरेक्ट आप क्या करोगे फॉर्मूला यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में और भी तरह के यहाँ पर क्वेश्चन है। ये हमारा पहला टॉपिक था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका दूसरा टॉपिक। तो अब हमारे पास में जो दूसरा टॉपिक है कुछ इस तरीके दिया हुआ है कि वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष समाकलन, यानी कि हमको इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमको काम करना है कि इंटीग्रेशन वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हमको इंटीग्रेशन करना है एक्स के सापेक्ष यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। जो इस तरह के इंटीग्रेशन होते हैं यहाँ पर हमको अपनी तरफ से कुछ चीज़ मान के चलते हैं। कैसे, हमको मानेंगे कि माना या लेट एक्स, यहाँ पर देखो एक्स है तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू मानेंगे कि एक्स की वैल्यू हमने क्या मान ली ए टेन थीटा। ठीक है, हमने ये वैल्यू मान ली है। अगर यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर वाई लिख सकते हो आप, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर टी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पर उसके गुणांक में चलेगा यानी कोफिशियंट रहेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेगा दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर हमें थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है। इंटीग्रेशन हम किस सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, हमने थीटा के सापेक्ष में क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ए ऐसे रहेगा क्योंकि ये कोफिशिएंट का, और टेन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हमने इसका क्या कर दिया डिफरेंशिएशन कर दिया है, और हमको वैल्यू किसकी चाहिए डी एक्स की चाहिए। तो यहाँ पर डी एक्स की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू को उठाकर हमें जो डी एक्स की यहाँ पर पुट कर देनी है। ठीक है, और साथ में हमने जो एक्स की जो वैल्यू मानी है यहाँ पर वो हमको यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं इसके अंदर तो वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी है ए
टेन थीटा। अब देखो स्क्वायर है तो दोनों पे क्या जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। डीएक्स की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी है, या जो हमने निकाली है डिफरेंशिएशन करके कितनी आ रही है, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया इसके अंदर। अब देखो दोनों टर्म से ए स्क्वायर क्या आ रहा है, मेरा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ, तो वन अपॉन ए स्क्वायर मेरे यहाँ से क्या आ गया, कॉमन आ चुका है, ठीक है। अंदर जो मेरा बचता है वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या चल रहा है, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी, सर समीकरण आपने पढ़ी होगी, ठीक है, नाइन्थ क्लास में, टेंथ क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, सेक स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पुट कर देता हूँ, और जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा इस चीज़ को, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ साथ साथ में उसको यहाँ पर, कि मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ, तो ठीक है। देखो मैं आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका कितना होता है, वन होता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे वन सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आएगी, ये आपका जो माइनस का टेन है, और सॉरी जो आपका यहाँ पर माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है, वो इधर आके प्लस का बन जाएगा। तो जो जो नीचे की जो वैल्यू क्या है, मेरी सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ वन अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, अब सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या चल रहा है, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, यहाँ मेरा पुट कर दिया है। अब देखो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, ए से एक पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर कितना बचता है मेरा, यहाँ पर जो मेरा बचा है मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर बना कौन, एक तो ए बच रहा है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखो कुछ नहीं बचा, सिर्फ वन बचा है, ठीक है, और साथ में डी थीटा। अब इसका हमें क्या करना क्या है, वन का थीटा के साथ है, इसमें अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करो तो कितना आएगा, थीटा आएगा, और प्लस का सी। अब देखो थीटा की वैल्यू आपको कहाँ से निकालनी है, आपने जो शुरू के अंदर शुरुआत में आपने क्या वैल्यू मानी थी, तो हमने जो शुरू में माना था, हमने माना था यहाँ पर कि एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा आपने माना था यहाँ पर, ठीक है। अब जब आप यहाँ से टेन की वैल्यू और सॉरी थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, देखो पहले तो जो ए एस के अपोन में जाएगा, यानी कि एक्स अपोन ए बन गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपका लिखा है टेन थीटा, ठीक है। अब वैल्यू मुझे किसकी चाहिए, थीटा की चाहिए, तो थीटा की जब मैं वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, थीटा की वैल्यू आएगी मेरे पास में, जो टेन है यहाँ पर वो इनवर्स में पहुंच जाएगा उस तरफ, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास में थीटा की वैल्यू आ जाती है, और उस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वन अपॉन ए थीटा की वैल्यू देखो कितनी आ गई, टेन एक्स अपॉन ए और प्लस का सी, तो ये मेरे पास में इसका इंटीग्रेशन ये आ चुका है, ठीक है। तो मैं फाइनली क्या लिख सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैं इसका फॉर्मूला जो मेरे पास में बन गया है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस का सी, तो ये मेरे पास में क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया है। अब किसी क्वेश्चन को जब मैं सोल्व करूंगा, एक दो नंबर का अगर क्वेश्चन है तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ उसके अंदर, अगर लेंथी क्वेश्चन है कुछ तो उसके अंदर मैं ये वाले स्टेप दिखा सकता हूँ सोल्व करने के लिए। अब हमने जो पहले वाला जो टॉपिक समझाया और ये वाला टॉपिक समझा, अब हम इनके बेस पर कुछ क्वेश्चन को अब सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है, जो हमने पहला वाला टॉपिक कवर करा था कि साइन ए एक्स प्लस बी वाला, तो उसी के बेस पे हमारा एक क्वेश्चन है कि साइन 5x प्लस 6 इंटू डी एक्स, अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो अगर ये क्वेश्चन अगर एक नंबर या दो नंबर में है, ठीक है, आप डायरेक्ट इसके अंदर फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन पाँच या फिर तीन या चार नंबर में आता है, तो आप इसके अंदर जो हमने जो स्टेप प्रूफ करने के, आप उनको यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। डिपेंड करता है कि कितने नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सोल्व करने वाला हूँ, एक नंबर के पॉइंट ऑफ वैल्यू से भी सोल्व करूंगा, और साथ में अगर ये चार या पाँच नंबर में आता है उसके हिसाब से भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं पहले एक या दो नंबर के हिसाब से, तो एक या दो नंबर के हिसाब से इसको सोल्व करोगे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमारा फॉर्मूला क्या था कि इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी, अगर मेरा इस तरीके से क्वेश्चन आता है इस फॉर्म में, तो उसका मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ फॉर्मूला, किस तरीके से कि माइनस का वन अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी और प्लस का सी, तो ये मेरे पास में फॉर्मूला होता है, इसको मैं डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन में अगर एक या दो नंबर का है इसको मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें यहाँ पर यूज करके देखता हूँ कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखना देखो साइन जगह साइन है आपका, और ए की जगह कितना है यहाँ पर फाइव है, और बी की जगह कितना है आपका सिक्स, और बाकी कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा कि साइन
5x प्लस का 6 और इंटू में dx, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, तो -1 अपॉन a का मतलब यानी कि यहाँ पर जो a लिखा है ये वाला, ठीक है, यानी कि हमारा कितना है 5, तो 1 अपॉन 5 लिखा मैंने यहाँ पर, और उसके बाद में cos जो यहाँ पर लिखा है पूरा एज इट इज इसको यहाँ पर लिख दीजिए, कॉपी ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ax और सॉरी 5x प्लस का 6 और प्लस का c, ये मेरा क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व हो गया अगर एक या दो नंबर में है, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व करने वाला हूँ, अगर ये क्वेश्चन अगर 4 या 5 नंबर में आता है किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब हम इसको देखने वाले स्टेप के अकॉर्डिंग, ठीक है, जब हम इसको स्टेप के अकॉर्डिंग जो सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी साइन के सामने जो ये एंगल है यानी कि जो कोण दिया हुआ है, इसको आप क्या करो, टिपुट कर लो कोई भी वैल्यू टी या फिर वाई या कोई एक्स वैल्यू, यानी कि कुछ ऐसी वैल्यू को आप उसको पुट कर लीजिए जो इस क्वेश्चन में ना हुई हो, जैसे यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर आप एक्स मत पुट करना, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या पुट कर लेता हूँ कि लेट टी इज इक्वल टू 5x प्लस का 6, तो मैंने इसको कितना एज्यूम कर लिया है, टी एज्यूम कर लिया, ठीक है, अब इसको आपको डिफरेंशिएशन करना होगा एक्स के सापेक्ष में, ठीक है, तो डी टी ओवर डी एक्स, और जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 6 का क्या बन जाएगा, आपका 0 बन जाएगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू आपकी, 5x का कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि x का जब डिफरेंशिएशन करोगे आप कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, तो यानी कि मेरा कितना आएगा 5 आ गया, वैल्यू मुझे किसकी चाहिए, डीएक्स की चाहिए, तो डीएक्स की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो डी टी ये 5 आ जाएगा इसके नीचे और यहाँ पर चला जाएगा dx, ठीक है, और यहाँ पर उठा के जो मेरे पास में वैल्यू है t की और dx की, यहाँ पर मैं इसके अंदर पुट करूँगा, ठीक है, तो साइन x और सॉरी साइन और इसकी जगह मैं कितना लिखूँगा t लिखूँगा, यहाँ पर मैंने t लिख दिया, ब्रैकेट की वैसे जरूरत नहीं है, आप लगा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, dx की जगह मैं कितना लिखूँगा डी टी ओवर 5, तो डी टी मैंने यहाँ पर लिखा और 5 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो मैं यहाँ उसको इस तरह से बाहर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको आप सिंपल क्या करोगे, जो जो हम इंटीग्रेशन करते हैं साइन टी का या साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है माइनस का, ठीक है, तो यहाँ पर आप वही कर काम करना है, तो साइन टी का जब मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन और सॉरी इंटीग्रेशन करता हूँ टी के सापेक्ष में तो कितना आएगा, कोस टी आएगा, ठीक है, पर माइनस का आता तो माइनस भी लगेगा और साथ में कॉन्स्टेंट वैल्यू सी आ जाएगी, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है आपने टी की वैल्यू क्या मानी हुई थी, यानी कि स्टार्टिंग में आपने क्या माना है 5x + 6, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 5x प्लस का 6 और प्लस का c, तो ये आ गया कि आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर ये 4 या 5 नंबर में आता है तो आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन हम और सोल्व करेंगे इसी टॉपिक को लेकर, तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं किस तरह हम सोल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में एक न्यू क्वेश्चन है, थोड़ा आपको देखने में लग रहा होगा कि नया टाइप का क्वेश्चन है, बट आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन वही है, बस आपको थोड़ा समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको टाइप पढ़ाई है कि साइन ए एक्स प्लस बी और उसका इंटीग्रेशन पर डी एक्स, तो ये वाली मैंने आपको टाइप पढ़ाई है, इसका जो फॉर्मूला होता है कितना होता है माइनस का 1 अपॉन a कॉस ए एक्स प्लस का बी और यहाँ पर सी, ठीक है। इस तरीके आपको मैंने ये वाला टाइप पढ़ाया, बट टाइप तो बिल्कुल वही लग रही होगी आपको देखने में, बट ये प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर स्क्वायर आ गया है, ये आप ये सोच रहे होंगे, ठीक है, बट डरना नहीं है, आपको इसको सोल्व आराम से कर दोगे, ठीक है। तो किस तरीके करोगे, जब आपको सोल्व करोगे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, साइन एक्स एक पावर यहाँ से इसकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10x और यहाँ पर 5, तो ये देखिए जो आपको मैंने फॉर्म बताया था कि साइन ए एक्स प्लस बी का जो फॉर्म होता है उसी रूप में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब आपकी चाहे मर्जी, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लीजिए या फिर आप इसको जो सब्सटीट्यूशन मेथड है वो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये 5 या 4 नंबर में आता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट यूज करने वाला हूँ फॉर्मूले को, तो कितना आएगा 1 अपॉन माइनस का 10 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक ही नीचे आता है 1 अपॉन a और यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस बी यानी कि 10x प्लस का 5 और प्लस का c, तो ये मेरा क्या आ गया आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हम देखने वाले जो हमने दूसरी जो टाइप पढ़ी थी कि 1 अपॉन a² + x², तो उसके क्वेश्चन अगर आते हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे डायरेक्ट भी, और हम उसको अगर लेंथी क्वेश्चन आता है 4 या 5 नंबर का उसके फॉर्म में भी देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास में जो टाइप दी हुई है कुछ इस तरीके से है, हमारे पास में दूसरी टाइप मैंने आपको बताया था इसके क्वेश्चन भी आपको किस तरीके से सोल्व करने हैं, तो टाइप कौन सी है आपकी है कि 1 अपॉन a² + x² * dx, ठीक है, ये आपको टाइप ही दी हुई है। इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे आप कैसे सोल्व करोगे, तो आपके पास में दोनों तरह की चॉइस है यहाँ पर कि आप यहाँ पर एक तो आपका जो लेंथी मेथड है उसको भी यूज़ करके सोल्व कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको दोनों तरीके से बताने वाला हूँ, पहले आपको देखने वाले हैं जो इसके यहाँ पर फॉर्मूला होता है क्या होता है 1 अपॉन a और 10 इनवर्स
एक्स अपॉन ए और प्लस का सी, ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको इस तरह से यूज करोगे एक या दो नंबर के लिए सोल्व हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ये क्वेश्चन अगर चार या पांच नंबर मारता है तो आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के या प्रतिस्थापन विधि लगा के इसको सोल्व करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे एक या दो नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरीके से है कि इंटीग्रेशन वन अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पर फोर लिखा है, ठीक है। फोर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ टू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्म बन चुका है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला। अगर जब मैं इसको फॉर्मूला लगाता हूँ वन अपॉन ए का मतलब वन अपॉन टू आएगा यहाँ पर हमारा, और टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स तो एक्स आएगा और ए की जगह कितना टू, ठीक है, और प्लस का सी। तो ये मेरा आ गया आंसर, ठीक है, एक या दो नंबर में अगर यही क्वेश्चन आता है। अगर यही क्वेश्चन चार या पांच नंबर में आता है तो आपको किस तरह से इसको सोल्व करना होगा, अब हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आई होप आप इसको नोट डाउन कर रहे होगे। अगर नोट डाउन करोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अब जो हमारा लेंथी मेथड है चार पाँच नंबर में आता है तो उसको उससे आप हम इसको सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे आप यहाँ पर सबसे पहले कोई भी जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा कि लेट या माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, मैंने आपको बताया था साथ में यहाँ पर जो इसका कॉफिशेंट आएगा गुणांक आएगा जो साथ में यहाँ पर दिया होगा यानी कि दो आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर कितना मान लिया टू टेन थीटा, मैंने यहाँ पर वे इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा आपको थीटा के सापेक्ष में, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी दूसरा एंगल ले सकते हो, यहाँ पर अल्फा ले सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं अल्फा ले लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं जब इसके अंदर पुट करूँगा डिफ्रेंशिएशन करके, तो यहाँ पहले सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा डी एक्स अपॉन डी अल्फा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अल्फा के सापेक्ष कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अल्फा ले लिया, अगर आप थीटा ले रहे हो तो थीटा के सापेक्ष में भी आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर टू ऐसा कोई ये कॉन्स्टेंट नहीं है, यहाँ पर इसका कॉफिशियंट है टेन अल्फा का, ठीक है। और टेन अल्फा का जब आप डिफेंसन करते हो वो कितना आता है सेक स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा ऐसे चलता रहेगा। वैल्यू मुझे चाहिए डी एक्स की, तो डी एक्स जब वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा डी एक्स इज इक्वल टू टू सेक स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर डी अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वैल्यू को यहाँ पर डी एक्स की यहाँ पर पुट करूँगा और जो एक्स की वैल्यू मैंने मानी वो यहाँ पर पुट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ टू स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू मैंने क्या मानी टू टेन अल्फा, तो यहाँ स्क्वायर भी है तो दोनों पे स्क्वायर भी आएगा, तो टू स्क्वायर और टेन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू जो मैंने मानी हुई है ये यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा उसको, ठीक है। यानी कि टू सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा, ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है टू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा टू स्क्वायर कॉमन आ गया। ध्यान रखना ये वन अपॉन में आएगा क्योंकि ये नीचे लिखा है, अगर ये ऊपर लिखा होता है कुछ इस तरीके से तो ये ऊपर आता है यानी कि फिर ऊपर आता है ऐसे, ठीक है। बट अभी हमारा नीचे दिया हुआ है तो हम इसको नीचे की तरफ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा टू स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर मेरे पास में क्या बचता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये मेरा क्या बन चुका है फॉर्मूला बन चुका है नाइन्थ या टेंथ क्लास का आइडेंटिटी बन चुका है सर समीकरण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरा कितना चल रहा है टू सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा, इसको मैं क्या पुट करूँगा सेक स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पर जब मैं इसको पुट करूँगा तो वन अपॉन टू स्क्वायर यहाँ पर मेरा ऐसे चलेगा और इसको मैं लिखूँगा सेक स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर टू सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। देखो एक पावर से टू से कैंसिल हो गई और सेक स्क्वायर अल्फा से सेक स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब जो मेरे पास में बचता है उसको मैं यहाँ पर साइड में लिख दे लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या क्या बचा है देखो यहाँ पर वन अपॉन यहाँ पर मेरे पास में बचा सिर्फ वन क्योंकि यहाँ पर और कुछ चीज़ नहीं बची है, ठीक है, सब कैंसिल हो चुकी है, बस यहाँ पर क्या बचा डी अल्फा। अब इसका मुझे क्या करना होगा इंटीग्रेशन करना होगा और यहाँ ध्यान रखना आपका वन अपॉन टू बचा है क्योंकि आपकी एक पावर कैंसिल हुई है, ठीक है। तो वन अपॉन टू मैंने यहाँ लिखा है और अब वन का आप इंटीग्रेशन करते हो अल्फा के सापेक्ष तो कितना आएगा अल्फा आएगा, ठीक है, और साथ में एक सी कॉन्स्टेंट वैल्यू आपकी ऐड हो जाएगी। अब अल्फा की वैल्यू कहाँ से निकालोगे आप इस वाले टर्म से जो आपने शुरू में पुट करी थी, ठीक है, कैसे निकालोगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये जो टू है इसके अपॉन में जाएगा यानी कि एक्स अपॉन टू और यहाँ पर टेन अल्फा, ठीक है। यहाँ पर अब अल्फा की वैल्यू चाहिए आपको तो अल्फा की जो वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको, अगर तुम्हारा काम खत्म हो चुका है इसका मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं x अपॉन टू लिखूंगा तो यहाँ पर मेरा कितना आएगा tan अल्फा आएगा, ठीक है। अब मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए तो जो tan है यहाँ पर इनवर्स में जाएगा कुछ इस तरीके से कि अल्फा बराबर
टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू, तो ये अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू, तो मैं इसको यहां पर पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं, तो वन अपॉन टू अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू और प्लस का सी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आपको इस वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो हम इसी के रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो देखते हैं हम उसको भी कैसे सोल्व करेंगे, लेंथी मेथड भी यूज़ करेंगे और साथ में जो हमारा शॉर्टकट है फॉर्मूले के थ्रू एक या दो नंबर के अकॉर्डिंग उसको भी हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में एक न्यू क्वेश्चन है कि 1 अपॉन 16 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा कुछ इस तरीके से कि 1 अपॉन आप 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आपके पास में तो तरीका कि आप एक या दो नंबर में उसको सॉल्व कर रहे हो, एक या दो नंबर में अगर आपके क्वेश्चन आया हुआ है या किसी यूनिवर्सिटी में आता है तो आप उसको सिंपल फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन आपका यहाँ पर आएगा जो यहाँ पर वैल्यू दी होगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी आपका कितना 1 अपॉन 4 एक वैल्यू यहाँ पर आएगी, साथ में टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ए का मतलब 4, ठीक है, और प्लस का सी, तो ये आपका क्या रहता है आंसर आ रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट मेथड, अगर आप डायरेक्ट इसको यूज़ करते हो, ठीक है। अगर आप इसको लेंथी मेथड से यूज़ कर रहे हो यानी कि आपको 4 या 5 नंबर में आया हुआ है तो आपको इसको यहाँ पर स्टेप फॉलो करना होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड के, ठीक है, ये इसको हम प्रतिस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो हम उसको भी देखने वाले कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कुछ वैल्यू को पुट करेंगे एक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लेट एक्स इज इक्वल टू, मैंने कितना मान लिया 4 tan theta, ठीक है। अब आपको देखो tan theta मानना है और साथ में जो कॉफिशेंट होता है 4 ये वाला लेके चलना है साथ में इसके, ठीक है। अब इसका आपको थीटा के सापेक्ष में क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी एक्स ओवर डी थीटा और यहाँ पर 4 sec² theta, क्योंकि tan का जो डिफ्रेंशिएशन होता है sec² theta होता है, ठीक है। यहाँ पर हम उनकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो 1 और यहाँ पर 4 स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 4 tan theta, यहाँ पर स्क्वायर है तो इन पे भी दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 स्क्वायर और 10 स्क्वायर theta और डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप निकाल सकते हो कितना आएगा 4 sec² theta और डी थीटा इसकी कॉफिशेंट या गुना में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 4 sec² theta और इंटू में डी थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 4 स्क्वायर दोनों से कॉमन आ रहा है, तो जब मैं कॉमन लूंगा यहाँ पर तो 1 अपॉन 4 स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, अंदर बचता है मेरा 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और यहाँ पर मेरा कितना बचता है 4 sec² theta इंटू में डी थीटा, तो 4 से 1 पावर इसकी कैंसिल होगी 4 की और ये मेरा क्या बन जाता है sec² theta का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला खोल देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा 1 अपॉन 4 बचता है और यहाँ पर sec² theta का फॉर्मूला बन चुका है और यहाँ पर sec² theta इंटू में डी थीटा, तो ये पावर इससे कैंसिल हो गई, ठीक है, sec² theta पूरा यहाँ से। अब मेरे पास में जो बचा हुआ है उसको मैं साइड में लिख लेता हूँ और जब मैं साइड में लिखूँगा यहाँ पर तो मेरा कितना बचेगा 1 अपॉन 4 और यहाँ पर मेरा कितना बचा है, देखो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा है, ठीक है। तो 1 और डी थीटा और थीटा का जब आप 1 का थीटा के सापेक्ष में इंटीग्रेशन करते हो तो कितना आता है आपका थीटा ही आता है और प्लस का सी, कॉन्स्टेंट वैल्यू आपकी हमेशा ऐड होनी है इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, तो थीटा की वैल्यू जब आप निकालोगे यहाँ से निकल गई जो आपने शुरू में जो टर्म मानी हुई है, ठीक है। कैसे निकालोगे, ये आपका जो एक्स है और इसके नीचे में क्या रहेगा 4 आ जाएगा क्योंकि इसकी गुना में है या रहेगा इसकी भाग में, ठीक है। तो कैसे निकालोगे हम वो भी देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपका जो एक्स लिखा है एक्स लिखोगे, ये आपका जो 4 है ये मल्टीप्लाई में किसके है टेन के और टेन थीटा के, ठीक है। तो ये आगे इसके डिवाइड में आ गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका टेन थीटा, अब टेन थीटा है जो इधर आएगा जब तो इनवर्स में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी टेन इनवर्स एक्स अपॉन 4, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दीजिए तो कितना आ गया आपका टेन इनवर्स एक्स अपॉन 4 और प्लस का सी, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उन लोगों को साथ में शेयर कीजिए जो आपके क्लास 12th के अंदर या फिर जो पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उनको इस कोरोना पैंडेमिक के अंदर बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।